सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज अर्पण देवनाथ एंड यू आर वॉचिंग एडी व्लॉग्स। तो दिस इज KTM 390 एडवेंचर। तो एज पर द टाइटल आप लोग समझ गए किस बारे में बात करना चाहता हूँ। ओके, कुछ प्रॉब्लम हुआ है मेरे बाइक में। आई डोंट नो किसी के बाइक में हुआ है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। तो क्या हो रहा है इस बाइक में मेरा, बहुत लोगों का यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं मतलब विंडशील्ड में आवाज़ आ रहा है मैंने सुना, बहुत लोगों का फुट पेग में प्रॉब्लम हो रहा है, बट मेरा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बारे में मेरा प्रॉब्लम कहीं अलग जगह है बाइक में, जो यूनिक है, बहुत ही यूनिक है और डेंजरस है, बहुत ही और डेंजरस। क्यों है आप लोगों को बताते हैं क्या हुआ है इसमें, जब तो आप लोगों को दिखाते थे इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ रखे दिखाते हैं आप लोगों को। ओके ओके, सो तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा मडगार्ड है और यहाँ पे मेरा इंजन गार्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, गैप बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी ये मडगार्ड का जो एक्सटेंशन है ये इंजन गार्ड के अंदर जा रहा है, जाके फंस जा रहा है। तो यहाँ पे देख के नहीं लगा कि यहाँ फंस सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, जब मतलब कोई बम्पी रोड जाता है, बाउंस होता है, तो ये शॉकर नीचे चले जाते हैं थोड़ा, और ये थोड़ा नीचे चले जाते हैं, और ये बहुत ही मतलब पता नहीं ये ऐसे कैसे है, ये फैक्ट्री डिफेक्ट है या मतलब ये बहुत ही मतलब ढीला है। ऐसा ही है, टाइट है सब जगह से, पर ये बहुत ढीला है। तो ये क्या हो रहा है, जब शॉकर नीचे जा रहा है ये इस लेंथ पे आ रहा है और इसके अंदर जाके फंस जा रहा है। जब फंसा था, मेरा एक फ़ोटो है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ऐसे टाइप का फंस जा रहा है यहाँ पे। और जब फंस जा रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये हैंडल लॉक हो जा रहा है। जैसे ही फंस गया यहाँ पे हैंडल लॉक हो जा रहा है, ना राइट ना लेफ्ट कहीं नहीं जा रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन और मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है बहुत मतलब। और एक बार तो मैं एक्सीडेंट होने से बचा, तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया इसमें मैंने, दिस नीड्स अ सोल्यूशन, फॉर दैट आई मेल्ड, मतलब मेल करने की बहुत कोशिश किया पर मेल आईडी नहीं मिला KTM को। तो मैंने कंप्लेन लॉन्च किया इसके बारे में KTM को। आई डोंट नो व्हेन दे विल कॉन्टैक्ट मी बैक। तो फॉर नाउ आई हैव टू ओपन द मडगार्ड एंड देन आई हैव टू ड्राइव इट। आई फेस दिस प्रॉब्लम 4 times, बहुत ही डेंजरस है ये। आई डोंट नो व्हाट इज़ द सोल्यूशन बिहाइंड दिस, क्योंकि आई कॉल्ड टू KTM शोरूम, दे सेड दैट ओपन द मडगार्ड एंड दे विल लॉन्च कंप्लेन, बट आई डोंट वॉन्ट टू ओपन द मडगार्ड बिकॉज अगर मतलब मड हुआ, मडी रोड्स पे गया, तो रेडिएटर में छींटे आ सकता है, डैमेज हो सकते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट आउट कर सकते हो। टिल देन ये व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम है, आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, और अभी तक मेरा बाइक का नंबर प्लेट नहीं आया। 14 days अप, 14 दिन हो गया बाइक मेरे पास से, नंबर प्लेट अभी तक नहीं आया। बहुत ही स्लो काम कर रहे हैं RTO, तो जब तक नंबर प्लेट नहीं आ जाता तब तक मैं कहीं नहीं निकल सकता, ऐसे ही गली गली में भटकता रहता हूँ मैं। ठीक है, आने दीजिए नंबर प्लेट, तब तक के लिए गुड बाय। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एडी व्लॉग्स। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। सी यू सून ऑन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।